भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया। जिन पहलवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे नामी पहलवान शामिल हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई 28 मई को संसद भवन की ओर से मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे के बाद ही कर दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कुछ रेसलर्स देर रात जंतर मंतर पर आए थे लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। एफआईआर पर अब रिएक्शन देते हुए विनेश फोगाट ने कहा है कि नया इतिहास लिखा जा रहा है। विनेश फोगाट ने अपने ट्विटर पर पेज पर लिखा, दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगते। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो चुकी है? सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ आखिर कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास अब लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत का ऐलान किया था। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद पहलवानों ने संसद की तरफ एक शांतिपूर्ण मार्च किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया गया, जबकि पुनिया को देर रात में छोड़ा गया। पुनिया ने जब अपनी पुलिस हिरासत पर सवाल उठाए तो पुनिया ने ट्विटर पर लिखा, मुझे अभी तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे, क्या मैंने कोई जुर्म किया है? कैद में तो ब्रिजभूषण को होना चाहिए था, हमें क्यों कैद करके रखा है? नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।